लखनऊ में रह गए और अब चौक ना लखनऊ ऐसा तो बोल नहीं सकते। और वहाँ जाके हमने बक्से वाले आलू और खस्ता ना खाया ये तो हो ही नहीं सकता। लोग तो सुबह सुबह इसलिए जाते कि यार हमको बक्से वाले आलू और खस्ते खाएंगे। खस्ते हम तो जैसे तैसे भी हो लेकिन उसकी जो आलू होता है ना वो बहुत मस्त होता है, एकदम स्पाइसी चटाकेदार खट्टा मज़ा आ जाती है उसको खाते हैं। तो मैंने सोचा कि ना यार वही आलू मैं अपने किचन में बनाऊँ और आपके साथ उसकी रेसिपी को शेयर करूँ। तो मैंने तो सिर्फ आलू बनाए हैं, आप चाहिए ना तो खस्ते जो है बाजार से मंगा लीजिएगा या खुद बना लीजिएगा। परेशान मत होइए, खस्ते की रेसिपी में जल्द ही मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो तब तक बाजार से मंगा भी खा लीजिए। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं चौक वाले चटपटे आलू की रेसिपी। इसके लिए मैंने तो 2 किलो आलू लिए थे और मैं आधा किलो आलू से ही आपकी रेसिपी को बना के दिखाऊंगी इसको। पहले तो पहले ये छोटे छोटे छतरी वाले आलू लेने हैं जो बाजार में आराम से मिल जाते हैं, इन्हीं आलू में मज़ा आता है उसका। तो बस करना क्या है, इस तरीके से लंबा लंबा काट लेना है, अगर बहुत बड़े हों तो 4 पार्ट में काट लीजिए, अगर छोटे हों तो बस हाफ ही करना है हमें। अब इन्हें कम से कम 3 या 4 बार पानी से अच्छे से धो लीजिएगा। उसके बाद मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए 1 चम्मच मैंने लिए है काली मिर्च, 5 हरी इलायची, 3 लौंगे, 1 चम्मच जीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी, 3 से 4 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची और कम से कम 2 से 3 चम्मच मैंने लिए है धनिया, खड़ी धनिया, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च लिए। अब इनको धीमी धीमी आंच पे भूनना है जब तक कि बहुत बढ़िया सा खुशबू ना आने लगे। वाह, क्या खुशबू आना शुरू हो चुकी है। बस ठंडा करके कि अब हमें इसको पीस लेना है। कैसे पीसना है, हल्का सा दरदरा पीसना है। अब उसी पैन में डालते हैं तेल कम से कम 1/2 कप और गरम होने के बाद डालनी हूँ 1 चम्मच जीरा। ध्यान रखिएगा जीरा मसाले में भी गया है तो बहुत ज़्यादा जीरा नहीं डालना है। अब जो आलू धुल के आए थे अब मैंने उनको डाल दिया है और इसको धीमी धीमी आंच पे ही तेल में पकाते रहना है। तब तक कि सारे आलू जो है हल्के से गोल्डन ना हो जाए और कुरकुरापन ना आ जाए। कैसे पता चलेगा, इसका जो छिलका है ना वो सिकुड़ने लगेगा, हल्का सा शिंक कर जाएगा। अब भाई आलू को पकाना है तो नमक तो डालना पड़ेगा, तो डाल दीजिएगा नमक स्वादानुसार और अब इन्हें धीमी धीमी आंच पे प्यार से हम इसको पकाएंगे। तेज आंच मत कीजिएगा, बहुत तेज आंच पे करेंगे तो क्या होगा, आलू ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगा पर अंदर से कच्चा रहेगा। हमें ब्राउन तो करना है पर साथ में पकाना भी है, ये चीज़ बहुत ध्यान देनी है क्योंकि इसमें कहीं भी पानी नहीं जाएगा। अब 1/2 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्च, भाई चटकारेदार बनाना है इसलिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। इनको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं आलू में और आलू को बस प्यार से पका के बनाना है जैसे कि बन जाए बिल्कुल बढ़िया से चौक वाले आलू। अब धीमे धीमे इसको पकाते रहेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट तक। भाई कोई अच्छी चीज खानी है तो टाइम तो लगेगा। देखिए इधर मसाला भी ग्राइंड हो गया है और ये देखिए हल्का सा दरदरा है, बहुत मोटा नहीं बहुत पतला भी नहीं, हल्का सा दरदरा मतलब बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है हमें। और इधर देखिए आलू भी गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं, नियरेस्ट होने ही लगे हैं, बस हल्का हल्का सा 5 मिनट और देंगे। और ये देखिए साथ में डालते रहे हैं अब इसमें मसाला भी अपना पूरा, मसाला आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर लीजिएगा, इतना मसाला तो जाएगा 1/2 किलो में। और ये देखिए मसाले को अच्छे से कोट कर लेते हैं, मैंने ऑयल का इस्तेमाल कम किया है, आप चाहिएगा तो ऑयल और बढ़ा लीजिएगा। मैंने 1/2 कप का इस्तेमाल किया, आप चाहिएगा तो उसको 3/4 कर लीजिएगा। अब भाई खटाई ना पड़े तो मज़ा ही नहीं आएगा, तो मैंने डाली है कम से कम 2 से 3 चम्मच बड़ी खटाई, खट्टापन नहीं आएगा तो फिर तो आलू खाने का मज़ा ही नहीं है। और अब इसको पर ध्यान रखिएगा आलू में खटाई तब डालिएगा जब आलू पक जाए, अगर उससे पहले खटाई डाल देंगे तो आलू ज़्यादा टाइम लेगा पकने का। आलू पक चुका था तब मैंने खटाई डाली। अब इसमें डालते हैं 1 मुट्ठी भर के पुदीना, बल्कि पुदीना जितना ज़्यादा आप डाल सके उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखिए अगर इतना बड़ा बड़ा आप नहीं काट के डालना चाहते तो आप चॉप करके डाल लीजिएगा और इसको भी अच्छे से धीमे धीमे मसाले में भूनने देते हैं। तो क्या होगा, पुदीना भी मसाले में भुनेगा तो चौक वाले जो बक्से वाले आलू होता है उसमें मिलता है और ये देखिए और पुदीना भी अच्छे से गल जाए। तो नीचे तैयार हो गया बिल्कुल बढ़िया सा चौक वाले आलू,
देखिए ना कितने यमी लग रहे हैं। क्या करो, खस्ता नहीं बन पाए, नहीं तो खस्ता बना के भी जरूर खिलाती हैं आपको। तो लीजिए तैयार है चौक वाले आलू, खस्ते बनाइए बाजार से, मजा लीजिए घर में ही चौक वाले आलू का। देखा इतनी बढ़िया बन रही है, मैं तो मुंह में पानी आ रहा है। काश मैंने खस्ते में बनाने होते तो आज तो मजा आ जाता चौक वाला। तो फिर क्या, जल्दी से बनाइए इस रेसिपी को, घर में खस्ते बनाइए, पार्टी कीजिए, खाइए और फिर मुझे बताइए ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे पता है ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आपको भी बहुत पसंद आई और पसंद आ रही है तो आपको पता है। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और जल्दी बताते हैं बहुत ही बढ़िया जी नेक्स्ट वीडियो के साथ।